मिस्टर करण कपूर, तुम्हें कुछ याद हो या ना हो, देवयानी तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाएगी जिसके सामने आने के बाद अग्रवाल खानदान की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। ये देवयानी का वादा है तुमसे। एक मरने वाले इंसान से दोस्ती करके क्या होता? तुम भी कमाल करते हो। 12-13 दिन तो बात है, उसके बाद सुसाइड प्लान होते छोड़ के चले जाओ। मुझे भी तो जिंदगी भर कुछ याद करने के लिए चाहिए कि किसी को मरने के लिए मैंने सही तरीका बताया। किसी अफसोस के साथ मरने नहीं दूंगा। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया बहुत बुरी है। कदम कदम पर नफरत, झूठ और फरेब। और अगर ऐसी झूठी दुनिया में किसी सच्चे दोस्त का हाथ मिल जाए तो फिर किसी को और क्या चाहिए। रिश्ते में धोखा ही मिला है, मेरी यादों ने तक मुझे धोखा दिया। वक्त ने मुझे बहुत अकेला कर दिया और अपने इस अकेलेपन की आखिरी लम्हों मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। शायद यही यादें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो सब तो ठीक है, फिलहाल तुम्हारी चाय ठंडी है, बैठो। बैठो चच्चा। Thank God. किसी को तो हमारे दोस्ती को बोलो। ये दवाई के पर्चे मुझे तुम्हारे उस ऑफिस के फाइल में मिले। ये पर्चे तुम्हें फाइल में मिले इसलिए तुम्हें लगा कि मेरी तबीयत खराब है? हाँ अरे भाई, पर्चे अगर फाइल में मिले तो ये तो समझो कि फाइल बॉस की है ना। शायद हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई बीमार हो। मैं काम करता हूँ, कल अपने बॉस से पूछ लूंगा कि सर आपके घर में सब ठीक है या नहीं, कुशल मंगल है कि नहीं। ओके, अब प्लीज मुझे काम करने दोगे? सारी रात जागना है। क्यों राज, आखिर तुमने भी एक सच छिपाकर धोखा दिया ना मुझे। तुम तो मेरे दोस्त थे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों राज, क्यों किया ऐसा? कंपनी में लोगों की तरक्की होती है, प्रमोशन होता है, एक पोस्ट के बाद वो और ऊंची पोस्ट पर पहुंचते हैं। मगर मैं यहां अपने पर्सनल केबिन से निकलकर खुले में आ गया हूं। वाह वाह, क्या बात है। अरे मुझसे तो अच्छी वो पर्सनल सेक्रेटरी है, उसको भी एक छोटा सा केबिन मिला हुआ है। मगर मुझे जो कुछ मिला था वो भी छिन गया मेरे हाथ से। ये त्रिजानी मैडम की बांसी ने सबसे पहला शिकार मुझे ही बनाया है। अरे मैं इस कंपनी में मैनेजर हूं। मैनेजर की कोई इज्जत होती है, कोई रुतबा होता है, लेकिन यहां ना तो मैनेजर की कोई इज्जत है और ना ही कोई रुतबा। जिसको देखो सब जगजीत को ही बलि का बकरा बनाया हुआ है सबने। तंग आ गया हूं मैं इन सब बातों से। अब
कौन है ये? किसको फोन हो सकता है? कौन बोल रहा है? हाँ? कौन बोल रहा है? अरे तुम जानते हो कि किससे बात कर रहे हो? मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैनेजर। और भाई देव, तुम्हें ये नंबर दिया किसने? हाँ? किसने नंबर दिया तुम्हें? किससे बात करनी है? अरे बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, कौन बोल रहा है? बोल। अबे पागल हो गया क्या? इतने जल्दी भूल गया तेरा हाल क्या क्या था? सुन, मुझसे ऊंची आवाज में बात की ना तो सारी मैनेजरी दो सेकंड में निकाल दूंगा तेरी। मैं बोल रहा हूँ कि मैं समझा नहीं हूँ, कौन बोल रहा है बोलो, बताओ मुझे। गोपाल बोल रहा हूँ मैं। अब पहचाना? गोपाल भाई साहब, मेरा मतलब है मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं आपको पहचान गया, बिल्कुल पहचान गया। एक बात बता, वो जो फाइल दी थी मैंने तुझे कुणाल से साइन करवाने के लिए, दिया क्या? वो अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, टाइम से पहले ऊपर जाना चाहता है। हाँ? वो कुणाल साहब। हेलो गोपाल भैया, अरे आप कैसे हैं? मैं कुणाल बोल रहा हूँ।